शत्रु लोग बहुत परेशान कर रहे हैं हाँ और हमारा दिमाग खराब किए हुए हैं। अब आप तो अंतर्यामी हो, त्रिकालदर्शी हो, हम आपको क्या बताएं। हम चाहते हैं कि शत्रु सब समाप्त हो जाएं और हमारा परिवार, तीनों बहनों का परिवार, भाई का परिवार, मम्मी है तो सब सुखी रहे। मतलब हम लोग अपना ईमानदारी से कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन जैसे राम जी को रावण मतलब अत्याचार कर रहा था, है ना, सीता माता का हरण करके समझ ले गए गया। समझ गए। अब आप सभी पूरे परिवार सहित सभी का उद्धार करना चाहते हैं, तो सभी परिवार के लिए सुख की मंगल की कामना के लिए आपको माँ बगलामुखी देवी की आराधना करनी चाहिए दीक्षा लेकर के स्वयं। हाँ, एक तो आपके शत्रु भी हैवी हो गए हैं और थोड़ा जम के हैवी है मेरे बेटे, जी माता जी, क्योंकि वो इतने ज्यादा आपको परेशान करने लगे हैं और वो अब जो है अवसर देख रहे हैं आपको पकड़ने का, जी जी और यह पूर्ण सत्य है और आप भी जानते हैं इस विषय को बेटे मेरे, जी माता जी, जी माता जी, और यह सत्य है या नहीं आप ही बताएं, सत्य सत्य है माता जी, सत्य है। क्योंकि वो अब उनके सिर के ऊपर से जा रहा है आपका जो क्रोध है, मतलब सिर से ऊपर पानी जा रहा है, ऐसा हो गया है उनका मन कि किस समय हम इनको अकेले में पकड़े, तो ये परिस्थितियां भयानक निर्मित हुई है मेरे बेटे, और इससे निपटने के लिए आपको माँ भगवती का ही सहारा लेना चाहिए, बाबा महाकाल का, ये जो काल बन के आपके शरीर सिर के ऊपर मंडरा रहे हैं। जी माता जी, और जी ये काल बन के जो मंडरा रहे हैं, ये काल की गति से आपको मुक्ति पाना है, तो जी आपको महाकाल की शरण लेनी चाहिए जी और माँ बगलामुखी की शरण लेनी चाहिए, और ये हाँ सर्व शत्रु परास्त हो, एक दो शत्रु नहीं है बेटे, ज्यादा शत्रु है आपके। ज्यादा है माता जी, ज्यादा है। हाँ, तो ये सर्व शत्रुओं को की बुद्धि जो है परास्त हो करके आपके लिए मित्रता में परिवर्तित हो, इसके लिए आपको माँ बगलामुखी देवी का ध्यान, उनकी साधना, भजन पूजन, ये इसमें लग जाना चाहिए, क्योंकि बेटे मेरे जीवन बार बार नहीं मिलता है, अगले हाँ जन्म क्या मिलेगा क्या नहीं आपको पता नहीं है, यह जन्म जो मनुष्य योनि को प्राप्त हुए हो, तो जी आपको भगवती की भक्ति, सुखी जीवन और संपूर्ण जनमानस के साथ मधुरता के व्यवहार रखते हुए जीवन जीना है, बिना शत्रु के जीवन जीना है, शत्रु रहित हाँ जीवन कोई जीवन नहीं होता मेरे बेटे, सही है। और ये जो शत्रु बने हैं इसका कारण आप स्वयं हैं, आप जो दया की भाव जताए हैं सभी लोगों को, दया की जी भावना तो रखना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को जो है प्रेम और दया के भाव, समर्पण भाव, ये सहन नहीं होता है जी उनको, जो है दुष्टता के भाव रहित तो जो मनुष्य जुड़ते हैं वो उनको अच्छे लगते हैं, तो हाँ आज की दुनिया में सद्भावना रहित तो जीवन जीना और बिना शत्रु के जीवन जीना ये अच्छा नहीं लगता शायद, हाँ हाँ जी लेकिन हाँ जी माता संतों ने भी कहा है, जी बाबा माँ महाकाल के भक्त भी कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, जी माँ काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का, जो हाँ महाकाल का भक्त होता है उसके आगे काल भी काम नहीं कर सकता, और जी महाकाल भी जब हताश हो जाते हैं कि ये काल तो बहुत विकराल रूप लेके आ रहा है, तो फिर हाँ उस समय महाकाल की ही प्रधान शक्ति माँ ब्रह्मास्त्र विद्या महाविद्याएं उस काल के काल को वशीभूत करके निगल लेने की भी सामर्थ्यता रखती हैं, इतनी ऐसी बड़ी शक्ति है महाविद्या, लेकिन हाँ महाविद्या की दीक्षा लेकर के आराधना करके आप मैया की आराधना करें और हाँ साधना भक्ति करें तो आप भी सुखी रहें, परिवारजन भी सुखी रहे, सभी की मंगल अच्छा कामना के लिए आप स्वयं आराधना करें दीक्षा लेकर के मैया की। अच्छा हाँ तो माता जी, हमें ये जानना चाहता था कि शत्रु भविष्य में मतलब कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे हमारे परिवार को। नुकसान पहुंचाएंगे तभी तो आपका जो है मंगल आयु भाव पे चला गया, वो जम के शत्रु है भी हैं हाँ और ये आप भी जानते हैं। हाँ 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 मैं तो जी हाँ, तो इसलिए माँ भगवती की भक्ति ही आपके जीवन में शुभ परिणाम दिला सकती है।
बस। और आपका राजयोग में वृद्धि भी नहीं हो पा रही है। आपने अपनी कड़ी मेहनत करके बहुत कुछ प्राप्त किया है मेरे बेटे, जी माँ, जी माँ, सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, सब कुछ जी आपने प्राप्त किया है, लेकिन अब सब जा रहा है। जाने के पैर बन गए, आने के भी पैर थे आपके जीवन में, और अब जी शत्रु है भी हो गए, और अब जाने के भी पैर बन गए। हाँ तो इसीलिए माँ भगवती की आप आराधना करें। हाँ और आपका जो है गुरु कमजोर है, तो बुद्धि की सटीक जगह नहीं बैठ रही है। केवल शत्रु भाव कैसे करेगा, शत्रु क्या होगा, शत्रु के साथ रहने से वो कब हमारे ऊपर क्षति करे, बस यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जाओं की तरफ आपका मन भाग रहा है बहुत ही ज्यादा। तो ये नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो और सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त हो, आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन का कल्याण हो, तो माँ भगवती की आराधना करें। और माँ भगवती की आराधना के लिए दीक्षा बहुत जरूरी होती है। और आपके जीवन में मंगल भी अच्छा स्थान पे नहीं है, बुध भी है, खर्च भी होते चला जा रहा है, सम्मान प्रतिष्ठा सब जा रही है आपकी। और धन अर्जन के लिए धन स्थिर रुके, उसके लिए बुद्ध जाप करवाएं। अच्छा, बुद्ध जाप हाँ, बुद्ध जाप करवाएं। जी। और पितृ दोष भी है आपको बेटे, अच्छा, हाँ, पितरों की कृपा से ही आप स्पीड से आगे बढ़े थे, स्पीड से प्रोग्रेस कर रहे थे, और उन्हीं पितरों के कारण ही आप गिरने भी लगे। ये ऊपर भी उठा देते हैं, नीचे भी गिरा देते हैं बेटे, और वही कंडीशन आपकी, स्पीड से आपने प्रोग्रेस किया और स्पीड से गिरने भी लगे। हाँ, सही है, सही बात है। हाँ, तो पितरों का पूजन करवाएं। पितर और दिन भी आ रहे हैं पितरों के, तो हाँ 13 दिन पितरों का पूजन होता है, 14वें दिन में उनका लास्ट पूजन दशांश हवन हो करके, और फिर पूर्णाहुति होती है, नदी में उनको विसर्जित किया जाता है, तर्पण किया जाता है। तो जी जी ये सब आप अभी से स्टार्ट करें तो पितृ तक आपका पूजन भी हो जाएगा अच्छा, संपन्न। हाँ,